वो लोग मरीज को सूचर कर रहे थे, टांके लगा रहे थे, लेकिन मरीज ड्रिंक किए हुए थे जिसकी वजह से बार बार हिल रहे थे। डॉक्टर को सूचर करने में दिक्कत परेशानी आ रही। मरीज के परिजनों ने और मरीज ने डॉक्टर साहब से बदतमीजी शुरू करी, गाली गलौज शुरू करी। पूर्वी दिल्ली के हेड गेवार अस्पताल के बाहर झगड़े के बाद रविवार को मरीज के तीमारदारों ने एक जूनियर डॉक्टर पर हमला कर दिया। चिकित्सा अधीक्षक से संपर्क करने के प्रयास के बावजूद कोई बयान सामने नहीं आया है। सीएमओ से शिकायत की है और डॉक्टर के खिलाफ हिंसा का मामला दर्ज किया गया। मामला दिल्ली चिकित्सा सेवा कार्मिक अधिनियम और बीएनएस की संबंधित धाराओं के अनुसार दर्ज किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में कहा था कि ऐसी घटनाओं के 6 घंटे के भीतर संस्थागत एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। इसको लेकर हमारे संवाददाता खुशी राणा ने डॉक्टर से बातचीत की है, आइए आपको सुनाते हैं। इस समय हमारे साथ मोहम्मद नदीम मौजूद हैं जो कि सीनियर मेडिकल रेजिडेंट डॉक्टर हैं और साथ में मेडिसिन डिपार्टमेंट से हैं और इस समय हम हेड गेवार हॉस्पिटल के ठीक सामने खड़े हैं। सर, परसों इस हॉस्पिटल में एक घटना हुई जिसमें रात में एक जूनियर डॉक्टर के ऊपर एक पेशेंट ने नशे के हालातों में हमला किया, मारपीट की घटना सामने आई है, इसको लेकर क्या कहेंगे सर? हेलो मैम, मेरा नाम डॉक्टर नदीम है, मैं सीनियर रेजिडेंट हूँ मेडिसिन डिपार्टमेंट डॉक्टर हेड गेवार हॉस्पिटल में। मैम, ये घटना संडे की दिन में 12 बजे के आसपास की बात है, जब मरीज़ के परिजन को कोई चोट वगैरह लगी थी और वो अस्पताल में इलाज कराने आए थे। उनका एमएलसी वगैरह होने के बाद, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देने के बाद, उनको हमने सूचरिंग वगैरह के लिए ड्रेसिंग रूम में भेजा था, जो 22 नंबर कमरा होता है। ड्रेसिंग रूम के अंदर ड्रेसर थे और हमारे डॉक्टर साहब थे, जो जूनियर डॉक्टर हैं सर्जरी के। वो लोग मरीज़ को सूचर कर रहे थे, टांके लगा रहे थे, लेकिन मरीज़ ड्रिंक किए हुए थे जिसकी वजह से बार बार हिल रहे थे। डॉक्टर को सूचर करने में दिक्कत परेशानी आ रही थी। हमारे डॉक्टर साहब ने उनसे थोड़ा शांत रहने के लिए कहा ताकि वो अपना काम अच्छे से कर सकें, तो जिसके बाद मरीज़ के परिजनों ने और मरीज़ ने डॉक्टर साहब से बदतमीज़ी शुरू करी, गाली गलौज शुरू करी और फिर ड्रेसर को और डॉक्टर साहब को, जो जूनियर डॉक्टर ड्यूटी पे थे, उसके साथ मारपीट की। ये घटना संडे को 12:30 बजे के आसपास की है। इसके अलावा सर, अभी तक किस तरह के बड़े और सख्त कदम उठाए, क्या सुरक्षा को लेकर अच्छा इंतजाम किया गया है, बेहतर इंतजाम किया गया है, या फिर किस तरह की कंप्लेंट आप लोगों ने अभी तक करी और क्या उस पर आपको जवाब मिला है? मैम, हमने तुरंत सीएमओ से, ऑन ड्यूटी सीएमओ जो थे, उनसे रिक्वेस्ट करी थी इंस्टीट्यूशनल एफआईआर की, जो शाम तक हो गई थी। एंड हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे जो ऊपर एमएस हैं, डीएमएस हैं, सीएमओ हैं, दे आर वेरी हेल्पफुल टू अस। और हमने उनसे फिलहाल जो अभी डिमांड की है, सिक्योरिटी गार्ड्स बढ़ाने की है, जो हमारे ग्रे एरियाज़ हैं जहाँ सीसीटीवी कवर नहीं है, वहाँ पर सीसीटीवी लगाने की डिमांड की है। और हम चाहते हैं कि हमारा वर्किंग प्लेस, वर्किंग एटमॉस्फेयर सेफ़ हो, ताकि हमारे डॉक्टर्स ड्यूटी करते हुए अपने आप को सेफ़ महसूस कर सकें और मरीजों के लिए अपना 100% दे सकें। सर, हमारे साथ जुड़े रहने और किस तरह से हमारे साथ डॉक्टर नदीम मौजूद रहे, उन्होंने बताया किस तरह से पूरी घटना घटी, वहाँ पे डॉक्टर के साथ जो हाथापाई का मामला सामने है उसको लेकर बड़े और सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात ये कि आए एक के बाद एक हमारे देश में क्या डॉक्टर सुरक्षित नहीं है, डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर किस तरह के बड़े कदम अब सरकार उठाएगी, ये देखना होगा। तब तक के लिए बनिए मेरे साथ पंजाब केसरी में। कैमरा पर्सन विकी के साथ खुशी आना पंजाब केसरी दिल्ली।